गाइस, और इस वक्त आप लोगों को मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि देखिए इस वक्त कितना बज रहा है। देख लीजिए, दोपहर के बज रहे हैं 3। इस टाइम लोग सोता है, आराम करता है, रेस्ट करता है दिन भर के काम से थक कर। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, कोई पूछो मैं क्या कर रही हूँ। मैं हूँ किचन के अंदर, मैं हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों की फरमाइश आई है। और क्यों आई है वो भी आपको दिखलाते हैं। देखिए झमाझम हो रही है बारिश, देख सकते हैं आप लोग, अंधेरा पड़ रहा है ऐसे। हाँ देखिए झमाझम हो रही है बारिश, इस बारिश में बच्चों का मन कर गया है, बच्चों का मन कर गया है कुछ खाने का। मेरे बच्चों का जब कुछ रेसिपी वगैरह खाने का मन करता है तो बोलते हैं कि मम्मी कुछ खाना है। अब ऐसा मौसम है तो भाई अब इनका मन कर गया कटलेट खाने का, तो मैं बना रही हूँ कटलेट, पोहा का कटलेट बना रही हूँ, जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिएगा अच्छा लगेगा तो बताइए। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया था, पोहा को धो के थोड़ा सा भिगो के रख दिया था 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे अच्छे से फूल जाए पोहा। फिर उसमें मैंने उबले आलू, बड़े साइज़ के 2 आलू डाले थे, थोड़ी सी मिर्च डाली थी अपने अकॉर्डिंग जितना तीखा खाना पसंद करें, प्याज डाला था। आपके पास और वेजिटेबल्स हो तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास जो है फिलहाल तो मैं उसी से बना रही हूँ। और इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मीट मसाला डाला था और 1 चम्मच अमचूर डाला था। आपके पास चाट मसाला हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और नमक डाल के इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। इसमें आप गाजर रेत के डाल सकते हो, चुकंदर डाल सकते हो, पत्ता गोभी डाल सकते हो, मतलब जितनी वेजेस रहेंगी उतना ही टेस्टी लगेगा और हेल्दी भी रहेगा। तो फिलहाल तो मेरे पास भाई जो था, क्योंकि बारिश सुबह से हो रही थी तो इसलिए भैया जो था मैंने वो डाल के बना दिया। और आप लोग को तो पता है मैं अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि जो है वो उसी से बनाती हूँ, मैं अलग से प्रिपरेशन वगैरह नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से इसमें करी लीव्स काट के डाल दी थी कि थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन लगे, अच्छा लगे देखने में। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा टिक्की बना लेती हूँ और थोड़े से राउंड शेप के कैलेंडर टाइप के बना लूँगी। दोनों टाइप के बना के मैं इनको रख लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग गैस की तरफ जाएंगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं फ्रेंड्स। हाथ में ज़रा सा तेल लगा के आप बनाइए, एकदम चपकेगा नहीं और अच्छे से हो जाएगा। और जो भी शेप आप चाहें देना आप दे सकते हैं, अपने पसंद से देखिए बनाइए। और बहुत अच्छा ये स्नैक लगता है, सुबह का नाश्ता हो या शाम का हो तो आप बना के खाइए, बहुत अच्छा लगता है और आपका पेट भी भर जाता है, टेस्टी भी है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं ये सब नाश्ता खा के, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा चेंज चाहता है। हाँ भले उसमें मॉम को थोड़ा सा मेहनत लग जाए लेकिन बच्चों को चेंज हो जाता है और बच्चे खुश हो जाते हैं। और यहाँ देखिए मेरे सारे बन के रेडी हो गए, अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने ये कटलेट बना के रख लिया है सब करके, अब बस इसको मुझे करना है फ्राई। जल्दी आइए, मेरा वेट नहीं किया गया है ना आपका वेट किया गया है, बस आस्था स्टार्ट हो गई है। आइए देखते हैं क्या कर रही हैं आप भाई। वाओ दैट्स गॉड, आस्था ने कहा था कि मम्मी मैं बनाऊंगी, ये जब तक अपना क्लास ले रही थी तो मैंने सारी तैयारी कर दी है और यहाँ पे बन गई। वाओ, तो कुछ मैंने लंबे बनाए हैं, कुछ मैंने गोल बनाए हैं, लाइट की प्रॉब्लम है। और इसके साथ मैं बना रही हूँ चटनी, टमाटर प्याज मिर्चा अदरक की चटनी बनाएंगे। धनिया नहीं है इसलिए धनिया नहीं डालेंगे। ओ भैया देख लीजिए, ये है आपका, स्लोली स्लोली इसको करना है हमको, अभी ये सीखा है, इसको समय लगेगा सीखने में। अब 10 मिनट बाद हम इनको पलट लेते हैं और एकदम स्लो आंच पे रखना है ताकि अंदर तक वो धीरे धीरे सीख जाए एकदम। एक पता चला कि मेरी चीज़ें तो ऊपर तक करा नहीं गई, अंदर आप लोग बताइएगा। तो देखिए 10 मिनट बाद ही इसको हम पलट लेंगे। अब पलटने के बाद फिर इसको हम सीखेंगे, अच्छे से सीख जानी चाहिए। आप चाहें तो फ्रेंड डीप फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई में ज़्यादा तेल सोखता है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, वो एक दो में मन भर जाता है। अब चलो फ्राई बना रहे थे अच्छा लगता है, खा भी लेते भर पेट पर खा भी लेते हैं, नुकसान भी नहीं करेगा वो आपको। तो इसी तरह धीरे धीरे पलट के हम सारों को सेक लेंगे। इनको मैंने फिर तीसरी बार पलटा है और देखिए हमारे टिक्की लगभग हो ही चुके हैं, 5-10 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद ही अच्छे से हो जाएंगे। और आप इसको चटनी से, सॉस से, आप
सेजवान सॉस है, मतलब किसी भी चीज़ के साथ, ग्रीन चटनी, मीठी चटनी, किसी भी चीज़ के साथ जो भी आपको अच्छा लगे उसके साथ आप खाइए, सर्व करिए और मज़े लीजिए। मौसम का भी, टेस्ट का भी, हेल्थ का भी ध्यान रखिए। ओके फ्रेंड्स, एंड मेरा कटलेट रेडी हो गया है। थोड़ा सा डेकोरेशन करने की कोशिश कर रही हूँ जिसका मुझे एकदम सहूर नहीं है, बस जो बना है लो थाली में खा पी के खाली हो जाओ। लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ हो पाता है कि नहीं। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हुआ नहीं हुआ चलिए जो भी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, एकदम क्रंची वाला चम्मच है इन्हें। हाँ मुझे तुम्हारा भी नहीं बना तो फ्रेंड्स देखिए ये बन के रेडी है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। डेकोरेशन करने की कोशिश की है जो कि एकदम नहीं हुआ है क्योंकि फर्स्ट टाइम की है ना, थोड़ा सा ट्राई भी नहीं किए हैं। ये देखिए, आप चाहे तो सेलो फ्राई करिए, डीप फ्राई करिए, आपके ऊपर डिपेंड है। हमने सेलो फ्राई किया है, डीप फ्राई करने से ज़्यादा तेल लगेगा जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो भैया सेलो फ्राई करिए, एयर फ्राई करिए और खाइए, स्वस्थ रहिए। आइए फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए, अब खाकर बताइए कैसा बना है।